भी फोन किया हो या कोई भी दिक्कत हो, यू आर ऑलवेज देयर, कर सकता है. तो आई थिंक FBNPC इज द बेस्ट प्लेस. आई वुड से ज्वाइन FBNPC इन केस यू वांट टू लाइक गो फॉर एनक्लेक्स RN. देयर वाज नो डाउट कि मैं कहीं और इंस्टीट्यूट को चूज करूँ. इट वॉज लाइक अ गट फीलिंग, तरन के पास ही जाना है. आई कॉन्टेक्टेड अदर इंस्टीट्यूट यू, बट एक होता है ना कि एक अपनापन वाली बात होती है कि लाइक हाँ, कोई ट्रूली चाहता है कि हाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टूडेंट को सक्सेस मिले इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर कर सकता है तो आई थिंक FBNPC इज द बेस्ट प्लेस. धीरे जब क्लासेस लेते गए तो थोड़ा सा मतलब रिकॉल होने लगा, और कुछ जैसे प्रैक्टिकल भी हमने किया हुआ हॉस्पिटल में, तो उसके साथ कोरिलेट करके इट वॉज ईजी. एंड द वे यू टीच, इट वॉज लाइक बातें याद रहती हैं. मतलब जो मॉड्यूल हमने पढ़ा है, इट्स नॉट लाइक के सब कुछ ओवर हेड ट्रांसमिशन हो रहा है, कुछ ऊपर से नहीं जा रहा, टू द पॉइंट बात भी है, और साथ में द फन वे यू टुक द क्लासेस, तो उससे आई थिंक बहुत हेल्प मिली. क्योंकि जो केस स्टडीज क्लासेस में हुई हैं, जो अपने एक्सपीरियंस बताए हैं आप लोगों ने या और भी कोई बताते थे, तो वो याद रह जाते हैं. क्योंकि सब कुछ थ्योरेटिकल हो अगर इन केस, तो वो याद नहीं रह पाता. तो जैसे कुछ स्टोरीज की है, व्हेनेवर आई कॉल द ऑफिस, मेरे को बैक कॉल भी आई है, फॉलो अप भी किया गया है कि व्हाट्स योर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन एंड लाइक हाउ आर यू डूइंग इन केस आई नीड एनी काइंड ऑफ अदर सब टू बी एन RN ओवर हियर एंड बीइंग एन एंड टू फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दिस इज गोइंग फॉर द NCLEX एग्जाम एंड दैट्स नॉट एन इजी टास्क आई वुड से. सो या सो इट वॉज लाइक ओके कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं, बट आई वुड से Taran was there at every step for me. Like, itni achhi guidance or I don't think so ki main kisi aur se le sakti thi. Like, hello everyone, this is Taran and I'm the managing director for Future Building Nursing Prep Center. Today, I have a guest with us in this podcast, and that guest is so special, and so special for me, because that guest was my friend at one point of time. We were the classmates at one point of time. So I want to welcome Deepti in this podcast. Deepti and myself, we studied together in bachelor's, and we graduated in 2008 from PGI. So Deepti passed NCLEX exam with us in first attempt. So here, I want to welcome Deepti, and we would love to hear from her. So Deepti, welcome to our podcast. Thank you, Taran. Thanks for all this. And do you want to introduce yourself? So I'm Deepti, and I passed out my nursing graduation in 2008 from 9th PGI Chandigarh. And as Taran has already mentioned, we were classmates. And last year, I thought about, like, I got the opportunity to migrate to Canada, and then obviously I have to be an RN over here, and being an and to first step toward this is going for the NCLEX exam, and that's not an easy task, I would say. That is so true. Yeah, so it was like, okay, kaise hoga, kya hoga, kya nahi, but I would say Taran was there at every step for me. Like, इतनी अच्छी गाइडेंस, और आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी और से ले सकती थी. लाइक द वे शी हेल्प मी आउट, एंड आई कॉन्टेक्टेड अदर इंस्टीट्यूट यू, बट एक होता है ना कि एक अपनापन वाली बात होती है कि लाइक हाँ, कोई ट्रूली चाहता है कि हाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टूडेंट को सक्सेस मिले इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर कर सकता है तो आई थिंक FBNPC इज द बेस्ट प्लेस. दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. राइट, इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती कि हम दिल से इतने ज्यादा खुश है ना कि यू हैव बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स. राइट, सो वो जर्नी है जो बहुत हार्ड होती है ना, एंड दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, के बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके. सो दीप्ति की जो स्टोरी है ना गाइज, वो इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है कि दीप्ति ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी. दीप्ति, आपने कितने साल वहां पे काम किया है, लाइक PGI में? आई वर्क फॉर 15 ईयर्स PGI में. 15 साल मैंने काम किया है. वाओ, 15 साल काम करने के बाद. राइट, एंड देन क्योंकि एक सेटबैक लगता है, पीजे कितना धक्का लगता है जब आप कनाडा मूव होते हो 15 साल काम करने के बाद. हाँ, एवरीथिंग इज चेंज टोटली. एनवायरनमेंट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, कल्चर चेंज है, एंड मोस्ट ऑफ द लाइक टाइम आपके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली घर पे है. बिल्कुल, यू आर जस्ट योरसेल्फ,
कि आप अपने साथ ही हो बस, और कोई नहीं है, बाहर देखोगे तो आपको कोई नहीं जानता है, तो एक शॉक लगता है एक तरह से ना, माइंड इतना रेडी नहीं होता कि इतना इजीली सब चेंज हो जाए। हम वहां तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, बट यहाँ आके जब ग्राउंड लेवल पे आपको काम करना पड़ता है, इट्स लाइक टू डिफिकल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड दीप्ति यू आर राइट कि जब आते सार अगर लोग आते हैं है ना, वो अगर अपना पेपर वर्क नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, आपको जाके और जॉब्स करनी पड़ेंगी। राइट, अब जैसे दीप्ति ने बताया बिल्कुल सही, आपका कल्चर अलग हो जाता है, आपको लोग नहीं जानते, आपकी फैमिली भी नहीं है, ऊपर से जैसे आप वहां से इतनी अच्छी जॉब्स करके आ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करके आ रहे हो, एकदम से आपको आके जैसे यू नो सेटबैक और जॉब्स करनी पड़े, स्टोर्स पे जाके काम करना पड़े, तो वो कितना मुश्किल लगता है। तो दीप्ति थोड़ा सा अपनी कोई जर्नी शेयर करना चाहोगे कि आपको मतलब एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस अबाउट दिस? लाइक आई स्टार्टेड द एनएनएएस प्रोसेस, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। अराउंड इट यूज्ड टू टेक अराउंड 1 1.5 ईयर्स, कई लोगों को 3 3 साल भी लगे हैं, बट बाय द गॉड्स ग्रेस मैंने इंडिया से ही शुरू कर दिया था एनएनएएस का प्रोसेस, एंड इट टुक मी अराउंड 7 8 मंथ्स। मेरी जब एनएनएएस की एडवाइजरी रिपोर्ट आई, एंड दे सेड कि लाइक आर एजुकेशन इज नॉट कम्पेरेबल, एंड दैट वॉज अ रियल सेटबैक फॉर मी, बिकॉज आई वॉज होपिंग दैट आई कैन गेट एलिजिबिलिटी फॉर LPN, बट माई अल्टीमेट एम वॉज टू क्लियर NCLEX RN ओनली। आई वॉज नॉट विलिंग टू डू फॉर LPN, बट स्टिल या वो एक मतलब होता कहते है हैं कि कि हाँ बिल्कुल, के और जॉब करने से तो अच्छा है कि कम से कम LPN तो बन जाओ। राइट, LPN तो, बट स्टिल नहीं मिली तो आई वॉज डूइंग ऑड जॉब्स। मैंने रेस्टोरेंट्स पे काम किया है, आई वर्क एज PSW, तो बींग RN से आप डायरेक्टली आपका एक चेंज हो जाता है, प्रोफेशन चेंज हुआ, ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, एवरीथिंग चेंज, लाइक फाइनेंशियली भी आपको, यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, यू हैव टू पे द बिल्स, तो बिल्कुल उसके लिए जॉब तो करना पड़ता है, हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते हैं। नहीं बैठ सकते हैं और कनाडा में तो खास और करके नहीं फुल बैठ सकते टाइम, हैं। फुल टाइम स्टडी करना, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, तो आई हैड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, कभी फुल टाइम जॉब्स करना, बीच में पार्ट टाइम स्टडी करना, तो बीच में राइट, बच्चों को भी देखना, तो इट वॉज लाइक टफ जॉब फॉर मी। नो एंड आई हेयर आई वांट टू प्रेज हर बिकॉज दीप्ति को तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ। राइट, एंड देन द जर्नी, एंड आई वुड जस्ट से शी इज इंस्पिरेशन। आई वांट टू गिव हर हैट्स ऑफ, क्योंकि बच्चों को भी देखना, नए कंट्री में आके सेटल डाउन करना, उनके स्कूल्स देखने, जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल है, प्लस आपने उसके ऊपर तैयारी करनी। राइट, वो भी स्टार्टिंग से। सो दीप्ति, इतने साल के गैप के बाद पढ़ना कैसा लगा? राइट, इफ यू वांट टू जस्ट शेयर लिटिल बिट अबाउट इट। लाइक द फर्स्ट क्लास आई अटेंडेड, ओके ABG एंड कैलकुलेशन, आई वाज सो स्केर्ड, मुझे कुछ नहीं आता, आई वाज लिटरली स्केर्ड कि ये क्या है। देन धीरे 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 जब क्लासेस लेते गए तो थोड़ा सा मतलब रिकॉल होने लगा, और कुछ जैसे प्रैक्टिकल भी हमने किया हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसके साथ कोरिलेट करके इट वाज इजी, एंड द वे यू टीच, इट वाज लाइक बातें याद रहती हैं, मतलब जो मॉड्यूल हमने पढ़ा है, इट्स नॉट लाइक के सब कुछ ओवर है, ट्रांसमिशन हो रहा है, कुछ ऊपर से नहीं जा रहा, टू द पॉइंट बात भी है, और साथ में द फन वे यू टुक द क्लासेस, तो उससे आई थिंक बहुत हेल्प मिली, क्योंकि जो केस स्टडीज क्लासेस में हुई हैं, जो अपने एक्सपीरियंस बताए हैं आप लोगों ने, या और भी कोई बताते थे, तो वो याद रह जाते हैं, क्योंकि सब कुछ थ्योरेटिकल हो अगर इन केस, तो वो याद नहीं रह पाता, दैट इज सो तो ट्रू। जैसे कुछ स्टोरीज साथ में लिंक होती हैं, तो वो याद, अच्छा ऐसे हुआ था, तो ये आई कैन रिमेम्बर दैट, राइट, और मैं आई कैन रिकॉल दीप्ति ये दैट। भी कहना चाहूंगी कि इट्स सच एन ऑनर फॉर अस। ऑफ कोर्स आई एम पार्ट ऑफ FPNPC, पर मेरे लिए इतना मतलब मैं अपने आप में ही अंदर इतना प्राउड महसूस कर सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने मतलब हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, लाइक शी चोज मी फॉर दिस जर्नी। राइट, के मतलब यू नो, और मैं इसके लिए मतलब मैं दिल से शुक्र गुजार हूँ दीप्ति। आई एम जस्ट सो 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 हैप्पी अबाउट इट, एंड आई वांट टू से थैंक यू फॉर चूजिंग FPNPC फॉर दिस। सो There was no doubt कि मैं कहीं और इंस्टीट्यूट को चूज करूं, इट वॉज लाइक अ गट फीलिंग, तरन के पास ही जाना है, लाइक राइट, आई हैड लाइक दिस थिंग इन माई माइंड द डे आई स्टार्टेड माई जर्नी, तो ये तरन के साथ ही जाना है, तो बिकॉज नो बडी गाइड्स यू, पीपल वॉन्ट पिक अप द फोन इवन, यस, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में कॉल करोगे, द कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, बट दे डोंट वॉन्ट, दे इनकेस स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आता है देन दे फील हैप्पी, अदरवाइज दैट्स लाइक अ इट्स लाइक एन इंडस्ट्री, मनी मेकिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, बिल्कुल आई बिल्कुल वुड से, आई डोंट बिल्कुल वॉन्ट सही कह टेक रहे हैं। नेम्स, नो नो, बिल्कुल, हमने नाम तो किसी का भी नहीं। यस यू आर राइट, कैरी ऑन ड्यूटी। बट द थिंग इज कि अगर एक स्टूडेंट किस मोड़ पे खड़ा है, इट्स नॉट लाइक के हर कोई मतलब अकेडमिकली सक्सीड कर सकता है, तो मतलब
और भी चीजें उसके ऊपर मैटर करती हैं, फैमिली एनवायरनमेंट है आपका, एकदम से स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, वेदर है, कुछ है, मूड चेंज होता है, तो एवरीथिंग इफेक्ट कि आपकी स्टडी कैसे हो रही है. बट मैंने कभी भी फोन किया हो या कोई भी दिक्कत हो, यू आर ऑलवेज देयर या नो कि थैंक कोई बात यू. नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं. लाइक इट वॉज नॉट लाइक इट 3 महीने में क्लासेस होगी, इसके बाद आई एम नॉट देयर विद यू, ऐसा कुछ नहीं था. FBNPC ने हमेशा मेरी हेल्प की है. वेन एवर आई कॉल द ऑफिस, मेरे को बैक कॉल भी आई है, फॉलो अप भी किया गया है कि व्हाट्स योर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन एंड लाइक हाउ आर यू डूइंग इन केस आई नीड एनी काइंड ऑफ अदर सपोर्ट. FBNPC इज ऑलवेज देयर फॉर मी. या एंड थैंक यू दीप्ति फॉर शेयरिंग दैट. ये इसलिए नहीं है कि दीप्ति इज माई फ्रेंड, बट दिस इज वॉट वी डू फॉर एवरी स्टूडेंट. क्योंकि कई बार लोगों में एक मिसकंसेप्शन होती है कि FBNPC के पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो शायद वो नहीं ध्यान रखेंगे, या वो नहीं आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, या आपके साथ फॉलो अप नहीं करेंगे, राइट? ऐसा कुछ नहीं है गाइज. एवरी स्टूडेंट मैटर्स टू अस. तो अगर हमारे पास आते हैं तो वी फील लाइक इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर किसी ने हमें चूज किया है, उसने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट एंड फेथ रखा है, सो वी हैव टू पे इट बैक to that student, right? So this is how we treat everybody, right? And of course, Deepti is a special case, right? But we treat everybody like a special case for us, right? So Deepti, कैसा महसूस हो रहा है पेपर क्लियर करने के बाद? I feel like on the top of the world that I'll be an RN soon. I'll Yes. get a good job and you get so much of respect when you enter a hospital. मैं RN नहीं थी, फिर भी इन केस कहीं जाते थे तो okay, I was an RN in India for 15 years and they give you so much of respect. That's true. इतना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी मैंने एग्जाम देना है एंड आई एम नॉट स्टिल नॉट एन RN, तो इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है. तो अगर RN हो जाऊंगी तो कितना अच्छा कितना अच्छा हो जाएगा, राइट? ट्रीटमेंट एंड दैट होगा. इज सो ट्रू. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री कि यहाँ पे जो नर्सेज हैं दे आर सो वेरी वेल रिस्पेक्टेड. एंड रिस्पेक्ट तो है ही है, मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन्स भी हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोफेशन, राइट? तो हमें देर नहीं करनी चाहिए अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. आजकल तो जब दीप्ति ने शुरू किया तो लाइक यू हैड टू डू NNAS. आजकल तो और भी बड़े सारे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स आ गई हैं, आपको दो दो अब तो तीन. NNS कहीं चाहिए भी नहीं है, तो उसके जस्ट डायरेक्टली गो फॉर एनक्लेक्स एंड इफ यू हैव क्लियर द एनक्लेक्स तो द पाथ इज इजी, मच इजियर. यस दैट्स ट्रू. एंड कोई दीप्ति मैसेज पीजीआई वालों को देना चाहोगे आप? पीजीआई चंडीगढ़ में हम लोग पढ़े हैं और पीजीआई चंडीगढ़ में हम लोगों ने काम भी किया है, सो पीछे वाले आपको पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, सो एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? आई वुड से ज्वाइन FBNPC इन केस यू वांना लाइक गो फॉर एनक्लेक्स, RN और RexPN, एवरीथिंग. सो FBNPC इज द कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन और कोई बटरिंग वाला काम नहीं है, कुछ नहीं है. बिल्कुल. आई थिंक दिस इज द बेस्ट सपोर्ट आई कुड हैव एवर गॉट फॉर माई एनक्लेक्स जर्नी, आई यस वुड से. थैंक यू सो मच दीप्ति, थैंक यू, राइट? एंड इट मीन्स अ लॉट, राइट? सो एज आई सेड एवरी स्टूडेंट इज सो स्पेशल फॉर अस, सो हमें बहुत इट अच्छा लगता मीन्स है अ कि लॉट फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया फॉर अ पॉडकास्ट. यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज आई एम अ कैमरा शाय पर्सन. यू आर डूइंग वेरी वेल. एंड यू नो थैंक्स फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड इंस्पायरिंग. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आते हैं एंड देन दे हेजिटेट फॉर अ वाइल, राइट? सो यू आर या सो माय फैमिली वाज लाइक क्यों छोड़ के जा रही है, अच्छा इमिग्रेशन होगी, कम बैक, ज्वाइन कर ले वापस, डज नॉट पीरियड है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. बट आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टेकन दिस स्टेप तो आई कांट मूव बैक राइट नाउ, दैट्स ट्रू, दैट इज सो ट्रू. सो आई हैव टू गो फॉरवर्ड इंस्पिरेशन ओनली, यार, आगे जाना पंद्रह है, साल पीछे के नहीं बाद. जाना. हाँ, 15 साल के बाद जॉब छोड़नी इज लाइक सो टफ, सो टफ, राइट? कोई मतलब बात नहीं, बंदा दो बजे 15 साल का सो. एक्सपीरियंस है वो साथ लेके आए हैं, 15 साल यहाँ भी हो जाएंगे आगे. तो व्हेन आई लुक बैक तो आई विल फील कि नो, इट वाज नॉट अ बैड डिसीजन, इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ एंड दैट्स कमिंग टू ट्रू. कनाडा एंड ज्वाइनिंग FBNPC. आई थिंक विल बी द थैंक बेस्ट यू डिसीजन, आई सो वुड मच. से. और क्यों नहीं दीप्ति, है ना, एक ही लाइफ मिली है. अब 15 साल हमने नर्सिंग इंडिया में भी करके देख लिया, 10 साल 15 साल, राइट? व्हाई नॉट टू डू इट हियर, राइट? एंड देन फिर व्हेन वी विल ग्रो अप, सो वी विल हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू टेल. सो ट्रू. यहाँ पे सोचा कि कहाँ पे काम करना है? हैव यू एवर डिसाइडेड? आई एम प्लानिंग टू अप्लाई टू नॉर्थ शॉर जनरल हॉस्पिटल एंड सनीब्रुक हॉस्पिटल इन टोरंटो. यू गोना वन एक्यूट केयर नर्स बना है, राइट? दैट्स अमेजिंग, राइट? आई नो पीजे पीजे पीप्स रॉक, राइट? सो आई एम प्रीटी श्योर यू गोना रॉक द शो हियर टू. आई एम 100% श्योर अबाउट इट, राइट? सो थैंक यू. दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड एनी लास्ट मैसेज और वर्ड्स यू वाना गिव टू इंस्पायर ऑडियंस? अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो एनीबडी कैन डू दिस, आई वुड से. यस एंड बिलीव इन योर सेल्फ,
Don't worry, in case you fail once, twice, this is not the end of life. Ultimately, you're gonna succeed one day, I would say. And with the best guidance, I would say, you're gonna succeed soon. Yes, perfect. Thank you so much, Deepti, for your kind words. Thank you for coming and enjoy your journey as registered nurse in Canada now. Thank you very much. Thank you.